दसवां अध्याय। सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषियों, जब भीष्म पितामह ने पांचों पांडवों एवं द्रौपदी को ज्ञान उपदेश देकर श्री कृष्ण का चतुर्भुज स्वरूप अपने हृदय में धारण कर लिया, तब वे भगवान कृष्ण की ओर दृष्टि डालते हुए स्तुति करने लगे। ज्योति स्वरूप परम ब्रह्म प्रभु, आप अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने के निमित्त ही अवतार धारण करते हैं, इसलिए आप जैसे इस समय मेरे सामने विराजमान हैं, कृपा कर जब तक मैं अपने प्राण ना त्याग दूं, तब तक इसी प्रकार बैठे रहिए, जिससे अंत समय में मेरे हृदय में आपके चरणाविंदों का स्मरण बना रहे। आप सबसे पहले थे और महाप्रलय के समय भी आपका अंत नहीं होगा। आपकी माया से ही तीनों लोगों की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार होता है। आप भूमि का भार नष्ट करने और पापियों का संहार करने हेतु ही अपनी इच्छा अनुसार अवतार धारण करते हैं। आपके अवतरित होने का यही कारण है कि संसार के भक्त लोग अपनी मनोहर श्याम सुंदर मूर्ति को हमेशा चिंतन करते रहे और पाप से मुक्त होकर इस अपार भवसागर से पार होकर मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार स्तुति करने के बाद भीष्म पितामह ने ज्योति स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में विराजमान कर लिया। इसके बाद ऋषि मुनियों को प्रणाम करके अपने नेत्र बंद कर लिए और फिर योग क्रियाओं द्वारा अपना देह त्याग कर वैकुंठ धाम को सुधार गए। उस समय देवताओं ने उनके ऊपर फूल की वर्षा की।